मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर नोएडा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। चतुर्वेदी ने अपने ऊपर लगे धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। चुनाव नजदीक होने की वजह से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे मेरी छवि खराब हो। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित उनके बेटे और उनके दो पार्टनर पर नोएडा के आकाश इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 50 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। कंपनी ने केस दर्ज कराते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कम दाम में बिल्डिंग मटेरियल देने का वादा किया था। इसके एवज में विधायक और उनके साथियों ने 50 लाख रुपए भी ले लिए थे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके बाद उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरी छवि खराब की जा रही है। जिस कंपनी ने धोखाधड़ी का यह केस दर्ज करवाया है उससे कभी वो मिले भी नहीं है, ना ही उनका कंपनी से किसी तरीके का लेन देन हुआ है। लगता है चुनाव आ गया है। मुझे भी जानकारी, एक पत्रकारों के कार्यक्रम में मैं था, वहाँ किसी ने मेरे मोबाइल पर वो FIR भेजी थी। जब मैंने उस FIR को देखा तो मुझे लगा कि चुनाव नजदीक है, क्योंकि अभी कल ही यहाँ से इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर से फुर्सत हुए थे और आज नोएडा में मेरे खिलाफ एक FIR होती है जिसको मैं देखता हूँ। मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो FIR हुई है, जिस कंपनी में ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा लिया गया, मेरी उस कंपनी में या कहीं पर भी कोई लेन देन का मामला सामने नहीं है। और रहा सवाल FIR जो है, ये बताया गया है कि जेवर जाके मैंने बात की है वहाँ पूरे सारे डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के, तो मुझे तो याद नहीं है, ना ही मैं गया हूँ। ये सब विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।